हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले लेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। अब इसमें डालेंगे 4 मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई अनियंस, उन्हें हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। तो हम ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे हमारी अनियंस को। इस स्टेज तक हमें अनियंस को फ्राई करना है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में। तो आधी प्याज हम इसी में छोड़ देंगे और आधी हम निकाल लेंगे, जिसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्याज को निकाल लिया एक प्लेट में, इसे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। इसके बाद हम बचे हुए ऑयल में डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने यूज़ किए हैं 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 1 दालचीनी, कुछ काली मिर्च और लौंग। इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम अपने चिकन के पीसेस को इसमें ऐड कर देंगे एक एक करके बहुत ही आराम से, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट होने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे कर देंगे मिक्स और इन दोनों चीज़ों को साथ में अच्छे से फ्राई करेंगे। हमें चिकन को तब तक फ्राई करना है जब तक ये पिंक से वाइट नहीं हो जाता। इस प्रोसेस में आपको 5 से 6 मिनट तक का समय लग सकता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच धनिया यूज़ किया है, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 टमाटर का पेस्ट बना लिया है, वो ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, एक बार और चला देंगे इसे अच्छे से। अब हम अपने चिकन को ढककर पकाएंगे 10 मिनट के लिए, उसके बाद चेक करेंगे। तो चलिए 10 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं हमारा चिकन। ये देखिए कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। इस स्टेज पर आप अपने पीसेस को चेक कर सकते हैं कि वो अच्छे से पक गए हैं या नहीं। अब हम डालेंगे इसमें 1 कटोरी दही। जब भी आप दही डालें तो आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। इसके बाद जो हमने प्याज स्टार्टिंग में निकाली थी उसे अब ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच गरम मसाला। तो हमारा चिकन ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। आप देखिए इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है। अब इस स्टेज पर हम डाल देंगे पानी। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उतना पानी डाल सकते हैं और इसे 5 मिनट के लिए ढककर फिर से पकाएंगे। तो 5 मिनट इसे पकाने के बाद मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का हमारा चिकन बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए बिल्कुल अमेजिंग सी रेसिपी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको गार्निश कर लेंगे हरे धनिए के साथ। तो कैसी लगी आपको रेसिपी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।